वेलकम बैक, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए अपडेट के बारे में, iOS 17.1.1। अगर आपको अभी तक ये नया अपडेट शो नहीं हुआ है तो आप इस अपडेट को कैसे शो कर सकते हो? तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की मदद पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्शन को कनेक्ट करना है, अपने मोबाइल डेटा को यूज़ नहीं करना है। तो जब आप वाईफाई को कनेक्ट कर लेते हो तो आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। यहाँ पर आपको जनरल पे टैप करके, सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे टैप करके ऑटोमेटिक अपडेट्स में जाना है और यहाँ पर आपको इन तीनों ऑप्शंस को सबसे पहले इनेबल करना है। जैसे ही आप इन तीनों ऑप्शंस को इनेबल कर देते हो तो आपको अपने डिवाइस को एक बार रिस्टार्ट ज़रूर करना है। रिस्टार्ट करने के बाद फिर से वाईफाई को कनेक्ट करो और सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जाओ और यहाँ पर आपको स्वाइप अप करना है, स्वाइप डाउन। तो यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद आपको ये नया अपडेट शो हो जाएगा आपके आईफोन्स के ऊपर, कुछ इस तरीके का। इस अपडेट का जो साइज़ है हर एक आईफोन के हिसाब से आपको अलग अलग रिसीव होने वाला है। करंटली मेरे पास है iPhone 13, तो iPhone 13 में इस अपडेट का जो साइज़ है 354.7 MB है। तो अगर आपको इसके लिए फुल रिव्यू चाहिए iPhone 13 के ऊपर, आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको वॉच कर सकते हो iPhone 13 पे ये अपडेट कैसा काम कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।